रोहित प्रयासों का परिणाम था। जब सर्दियों में मैं गुलमर्ग गया था विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी। पावर कोर्ट का पावर प्रोजेक्ट जो 1984 में शुरू होना था, उसे अब हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह उड़ी जो हो कल होती जो हो, जिन पावर प्रोजेक्ट का काम भी 1985 और 1989 में शुरू होना, उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। इसी प्रकार अनेकों ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट में नाम लूंगा, समय ज्यादा लगेगा। हीरा नगर बनवाल जेलिना, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जो 10 साल पहले पूरा होने चाहिए थे, आज हमने उसे पूरा किया। हम मित्रों में कहना चाहता हूँ, आप मोटे तौर पर 6200 करोड़ रुपए की ज्यादा से ज्यादा की बिजली हम खरीद, लेकिन उसके एवज में 2600 करोड़ रुपए हम रेवेन्यू अर्जित करते हैं। ये व्यवस्था कब तक चलेगी, ये विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, हमें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना। सीएनजी लागत जो मैं समझता हूं कि देश में सबसे ज्यादा उसे भी कम करने का समय अब आ गया है। प्यारे भाई और बहनों, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को मॉडर्न बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार पर चढ़ करके हमारा सहयोग किया, हम उनके आभारी। हमने हेल्थ सेक्टर में जिस स्पीड और स्केल पर काम किया, तो अब उपलब्धियों में नजर आ रहा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2015-16 में नवजात शिशु मृत्यु दर 23.1% जो आज 2019 में घटकर सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2015-16 के सर्वे में 32.4 थी, आज यह घटकर आधी हो गई है 16.3। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 2015-16 में 37.6 थी, जो आज घटकर आधी हो गई है 3.4। आजादी के 70 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज। देश के सम्मान प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2016 में अनंतनाग, बारामूला तथा रजौरी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी थी। जून 2017 में कठुआ और डोडा मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली। अक्टूबर 2019 में उधमपुर तथा नवंबर 2019 में हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत किया हुआ। कुल मिलाकर देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने इस यूपी को 7 नए मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें से 5 प्रारंभ कर दिए गए हैं। उधमपुर तथा हंदवाड़ा भी समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए। 2016-17 में देश के सम्मानित प्रधानमंत्री ने पहली बार 2 नए एम्स जम्मू कश्मीर को दिए। जम्मू का पहला बैच प्रारंभ हो गया है। श्रीनगर एम्स के निर्माण की प्रक्रिया की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और वो काम भी जल्द शुरू करा दिया है। 2015 से 2019 के बीच में 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। 2 सालों में हमने 1275 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए। 2019 के पहले यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी स्कीम लागू नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के कारण 26 दिसंबर 2020 को इस यूपी के हर नागरिक को, हर परिवार को आयुष्मान भारत सेहत नाम की स्कीम दी गई, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर परिवार को 5,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया। 50 लाख के आसपास लाभार्थी पंजीकृत किए गए और 46 लाख गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। नए नर्सिंग कॉलेजों की स्वीकृति हुई। पिछले 1 वर्ष में 140 हमने प्रोजेक्ट हेल्थ पूरे किए। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आज हम गर्व से कह सकते हैं सभी 20 जिलों में डायलिसिस सेंटर फंक्शनल हो गए। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत से ये सुनिश्चित करने में हम सफल रहे जम्मू कश्मीर में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड की दिक्कत हो। पिछले साल अगस्त में जब हम आए थे तो हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी 15,000 LPM। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको बताना चाहता हूँ, 1 वर्ष में इसे बढ़ाकर 66,000 LPM कर लिया गया है और आने वाले 1.5 महीने में हमारी क्षमता 90,000 LPM हो जाएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी कोशिशों के कारण, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के कारण कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाने में हम सफल रहे, लेकिन खतरा टला नहीं। मैं आप
आपसे निवेदन करना चाहता, विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ। दुनिया के विशेषज्ञ तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये कोविड है उनका हम पूरी जिम्मेदारी से पालन करें ताकि तीसरी लहर जम्मू कश्मीर के लोग न देख सके। समर्पण एवं त्याग की प्रतिमूर्ति हमारे कोरोना वॉरियर्स का मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रोत्साहन की व्यवस्था हमने की, लेकिन मैं जानता हूँ ये उनकी सेवा भावना का सच्चा भाव नहीं। इस अवसर पर मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से भी और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपका हृदय ऋणी। स्वतंत्रता दिवस पर 50 डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मगर हौसला नहीं, इसलिए हम जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी लोगों को आज कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा सम्मान आपके लिए समर्पित है। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर की चर्चा पूरे देश में रही। 45 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में सभी जिलों में 100% वैक्सीनेशन हमने कर दिया। 18-44 साल वर्ग में भी लगभग 40% वैक्सीनेशन पूरा करने में हम सफलता पा चुके हैं, जो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा। इस प्रकार हमारी महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने 18-20 किलोमीटर पैदल चलकर दुर्गम तथा बर्फीले इलाकों में लोगों को वैक्सीनेट किया है, वो पूरे देश के सामने एक नई मिसाल है। मैं ऐसे सभी कर्मियों का आज अभिनंदन करना चाहता हूँ। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न वर्गों को जो रोज कमाते थे खाते थे उन्हें भी हमने संवेदना के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की है और ऐसे 40 लाख लोगों को फायदा हमने पहुंचाया। देश में हम पहले यूपी थे जिन्होंने उन परिवारों की मदद के लिए संवेदनपूर्ण ढंग से संवेदनशील ढंग किया गया है जिन परिवारों ने कोरोना लहर में अपना परिजन खोया। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और मैं उनको भरोसा देना चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। उनके माता पिता के लिए विशेष पेंशन, उनके बच्चों के लिए विशेष स्कॉलरशिप और यही नहीं सबका नाम की एक स्कीम हमने शुरू की और समाज कल्याण विभाग में एक स्पेशल सेल का निर्माण किया और मैं उन परिवारों को भरोसा देना चाहता हूँ कि आपके देखभाल की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर प्रशासन है और हम ये सुनिश्चित करेंगे हर परिवार के व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए धन उपलब्ध करा करके उनकी चिंता की जाए। प्यारे भाई और बहनों, अब तक यहाँ के लोगों को साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया। मैं कहना चाहता हूँ अगले साल तक हर घर तक नल पहुंचाने की कोशिश हो रही है, हम तक पहुँचा करेंगे। आज के इस पवित्र दिन पर जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को पाइप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया गया है और इस महीने के अंत तक सभी अस्पतालों तक ये सुविधा पहुंचा दी जाएगी। 1989 से लंबित सिंचाई की महत्वपूर्ण शाहपुर कंडी डैम परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दखल के कारण 2018 में 25 Thank you.